Hello guys, my name is Viren Singh. Welcome to my channel Smart Learning Academy. In this video tutorial, I am going to discuss about the various examples related to the restriction digestion and mapping. This is the fifth video regarding this restriction mapping examples. In my previous video, I have discussed about the various questions asked in the various examination. In this video, I am going to discuss about the various questions related to the restriction mapping and RDT asked in the GATE biotechnology examination. So let's see one by one what are those questions and how to solve them easily. You can follow me on Unacademy. The link is given in the description, and you can join my Facebook group. You can post your queries on my Facebook group, or you can just post your queries on the comment box in the video section. So let's see those questions. And pehla jo question hai usme aap read kariye. This question is related. Following is the gel picture of DNA fragment. Theek hai, following is the gel picture of the DNA fragment which was treated with BAMH1 and HIN3 separately and in combination. Theek hai, agar DNA alone hai to uska size yahan pe diya hai. Run karne ke baad the size is 9 kb and after digesting with BAMH1 the size is 7 kb and 2 kb fragment, and after digesting with HIN3 separately then you will get 6 kb and 3 kb separately bands. And if you digest with the DNA with both the enzymes in combination, you will get 3 bands, 4 kb, 3 kb and 2 kb. Okay? आप इस इंटरप्रिटेशन से क्या देख सकते हो, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स यहाँ पे दो हैं. जब एक रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन से आप रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन आप एक कर रहे हो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, ठीक है. मतलब कि जो मैं लीनियर डीएनए के केस में क्या बताया था कि जहाँ पे नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स इज वन मोर देन द नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट्स, तो यहाँ पे भी वही है. अगर एक रिस्ट्रिक्शन साइट BAMH1 का है तो दो फ्रैगमेंट मिल रहे हैं, HIN3 का एक है तो दो फ्रैगमेंट मिल रहे हैं. जब दोनों से डाइजेस्ट कर रहे हैं यानी कि दो रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं तो तीन फ्रैगमेंट मिल रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ पे ये डीएनए का नेचर कैसा होगा, वो क्या होगा, लीनियर होगा, ठीक है. कैसा नेचर होगा, लीनियर होगा. तो ए और सी ऑप्शन तो होंगे ही नहीं, ठीक है. अब क्लियर है कि जब भी फ्रैगमेंट्स एक ज़्यादा हो रिस्ट्रिक्शन साइट नंबर से तो वो कैसा नेचर होता है, वो लीनियर नेचर होता है. अगर आपने मेरा रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन एंड मैपिंग का वीडियो नहीं देखा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए सेक्शन में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी लेक्चर सीरीज़ में, तो आप प्लीज़ उसको देख लीजिए और पूरे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लेक्चर सीरीज़ को देखिए. यू विल गेट एन आइडिया हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स बाई नोइंग द नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट्स, ठीक है. तो आप प्लीज़ उसको देखिए, उसके बाद आप ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ठीक है. तो आपके ए और सी ऑप्शन आपका होगा ही नहीं, तो आपके पास बी हो सकता है या डी हो सकता है, ठीक है. अब देखते हैं डाइजेस्ट करके, BAMH1 से जब डाइजेस्ट कर रहे हैं तो आपको 2 kb और 7 kb मिल रहा है. यहाँ पे देखिए BAMH1 से डाइजेस्ट करिए बी ऑप्शन में. ऐसे क्वेश्चंस में आप हमेशा आंसर से ऑप्शंस के थ्रू जाएं. आप ऑप्शंस जब एलिमिनेट करेंगे ना, जब एलिमिनेशन मेथड आप अप्लाई करेंगे तो आप इजीली पता कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन सही होगा. आप ऐसे सिर्फ क्वेश्चंस ऐसे देखते रह जाओगे, आपको सॉल्व नहीं होगा. जैसे मैंने एलिमिनेशन मेथड लगाया, दो ऑप्शंस गए, ठीक है. अब दो ऑप्शंस में हम एलिमिनेशन लगाएंगे. पहले BAMH1 को डाइजेस्ट करिए, देखिए 2 and 7, 6 + 1, 7 kb मिल रहा है. HIN3 से डाइजेस्ट करिए, यहाँ पे HIN3 से डाइजेस्ट करेंगे तो 3 kb + 6 kb मिल रहा है, यानी बी ऑप्शन सही होगा. एक और क्लियर करने के लिए हम डी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं. यहाँ से डाइजेस्ट करिए, BAMH1 से 2 kb, ठीक है, यहाँ मिल रहा है 2 kb and 6 7 kb. HIN3 से जब डाइजेस्ट कर रहे हैं तो 6 kb + 3 kb मिल रहा है, ठीक है. तो अब आपको दोनों ऑप्शन सही नज़र आ रहे हैं, ठीक है. तो अब इस हिसाब से आपको क्या करेंगे, आप करेंगे अब डबल डाइजेशन HIN3 और BAMH1 का, वो ट्राई करते हैं. उसमें क्या मिला है, 2, 3 and 4, जब इससे डाइजेस्ट करेंगे तो 6, 1, 2 मिल रहा है, जबकि यहाँ से 2, 3, 4 मिलेगा. क्लियर है. तो ऑप्शन सही कौन सा होगा, फाइनली डी ऑप्शन सही होगा. ऐसे आपको लग रहा था बी भी सही है, डी भी सही है, उनमें जब हम डबल डाइजेशन देखे तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, डी ऑप्शन इज करेक्ट. इसलिए कभी भी एक चीज़ से सही होने पे आप आगे आंसर को मार्क ना करें, आप उसको कम्प्लीटली चेक करें, सारे ऑप्शंस को चेक करें कि सारे ऑप्शन सही है कि नहीं, अगर कोई भी उनमें मैचिंग हो रही हो तो, ठीक है. देन आप मूव करें कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन नहीं सही है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड अबाउट द रिस्ट्रिक्शन मैपिंग, ठीक है. इसके बारे में हम देखते हैं, व्हाट इज दैट क्वेश्चन, कि द जीनोम ऑफ अ स्मॉल वायरस इज डिपिसिएटेड बिलो.
showing the position of cutting site P and Q for the two restriction enzymes. Okay? The length of DNA fragments obtained when using this restriction enzymes is shown in table below. यहाँ पे टेबल दिया हुआ है कटिंग साइट Q, Q इज द इको आर वन एंड P इज द बैम एच वन. ठीक है, जब इको आर वन से हम रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन कर रहे हैं देन यू विल गेट द टू फ्रेगमेंट्स 3 KB एंड 7 KB दिया हुआ है. एंड वेन यू आर डाइजेस्टिंग द DNA विद बैम एच वन देन यू आर गेटिंग टू फ्रेगमेंट्स 8 KB एंड 2 KB. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वन रिस्ट्रिक्शन साइट है इको आर वन का, वन रिस्ट्रिक्शन साइट है बैम एच वन का. देन देयर इज टू टोटल रिस्ट्रिक्शन साइट है. जब हम इसको बैम कंप्लीट डाइजेशन करेंगे डबल डाइजेशन देन देयर इज 3 फ्रेगमेंट्स विल जनरेट आफ्टर द डाइजेस्टिंग विद द इको आर वन एंड बैम एच वन. ठीक है, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कि बैम एच वन है इको आर वन है दो रिस्ट्रिक्शन साइट्स है, मतलब लीनियर डीएनए है दो रिस्ट्रिक्शन साइट्स है, तो कितने फ्रेगमेंट जनरेट होंगे 3 होंगे. ठीक है, तो जब 3 फ्रेगमेंट जनरेट होंगे तो दो ऑप्शन यहाँ पे भी एलिमिनेट हो रहे हैं, कौन सा ए और डी, जिसमें कि 4 फ्रेगमेंट जनरेट दिखाया है, तो इन दोनों ऑप्शन सही नहीं हो सकते. अब जो सही होगा वो कौन सा सही होगा, या तो बी या तो सी. ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का कि इवन आपको कट करके भी नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि जो मिनिमम लेवल फ्रेगमेंट जनरेट हो रहा है वो 2 KB जनरेट हो रहा है, जो 2 KB जनरेट हो रहा है मतलब कि इससे ज़्यादा कोई नीचे फ्रेगमेंट आपको मिल ही नहीं सकता. ठीक है, जो कि बी ऑप्शन में 7 to 1 लिखा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. ठीक है, कैसे करेक्ट होगा वो भी हम देख लेते हैं डाइजेस्ट करके. डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, इको आर वन अगर है तो आपको 3 और 7 मिल रहा है, तो इको आर वन से डाइजेस्ट करिए. यहाँ पे अगर 5 किया हमने, यहाँ पे 3 किया, ठीक है, तो 5 to यहाँ पे 5 बनेगा और यहाँ पे 5 बनेगा. ठीक है, यानी कि ये जो ऑप्शन होगा नीचे जो लिखा हुआ है वो गलत होगा. ठीक है, एक तरफ 3 KB जनरेट हो रहा है, दूसरी तरफ यानी कि ये 5 ए, दूसरी तरफ टोटल कितना होगा 7 KB जनरेट हो रहा, इस तरफ 3 KB जनरेट हो रहा होगा एंड दूसरी तरफ 7 KB. बैम एच वन से डाइजेस्ट करिए, तो अब इधर 7 है टोटल, तो इधर तो 2 होगा ही नहीं, इधर 5 होगा. ठीक है, तो ये 2 KB हुआ, इधर 5 KB हुआ, क्योंकि 2 और 8 होगा. अगर इधर 2 KB होता, यहाँ पे 2 KB होता, तो ये टोटल 5 KB होता, इधर 5 KB हो जाता, इसलिए बीच में 5 KB, इधर 3 KB एंड इधर 2 KB. ठीक है, तो कौन सा आपको फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, 3, 5 एंड 2. क्लियर है? ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए, क्या है, एक फास्ट डीएनए है. ठीक है, फास्ट डीएनए को क्या किया इन्होंने, सिंगल स्टैंडर्ड कोहेसिव एंड्स एंड सर्कुलराइज व्हेन द फाज इंटैक्ट बैक्टीरिया. ये बहुत सारे लेक्चर दिए हुए हैं, आपको सारी चीज़ रीड करने की ज़रूरत नहीं है, जो काम की चीज़ है वो देखिए. ठीक है, एक बैम रिस्ट्रिक्शन मैप दिया हुआ है यहाँ पे. ठीक है, बैम रिस्ट्रिक्शन मैप दिया हुआ है और उसके बाद उन्होंने किया कि पैटर्न आफ्टर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पैटर्न किया. ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट्स दिए हुए हैं, एक 20 बेस पेयर पे प्रेजेंट है, एक 35 पे, एक 52 नंबर पे, एक 90, एक 100 पे. तो टोटल नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, 5 रिस्ट्रिक्शन साइट्स यहाँ पे प्रेजेंट है. 5 रिस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट होने की वजह से कितने फ्रेगमेंट्स आपको मिल रहे हैं फ्री डीएनए में, 1, 2, 3, 4, 5. आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको 5 बैंड मिल रहे हैं, 5 रिस्ट्रिक्शन साइट्स और 5 बैंड, मतलब कि ये लीनियर होगा या सर्कुलर होगा, ये सर्कुलर होगा, क्योंकि नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट्स. सो द डीएनए मस्ट बी द सर्कुलर स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट. ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ कॉन्सेप्ट जो मैंने रिस्ट्रिक्शन मैपिंग और डाइजेशन में बताए हुए हैं वो याद रखे रहिएगा और उसके थ्रू सॉल्व करिएगा क्वेश्चंस, आपके क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे. दिस इज़ द फाइनल क्वेश्चन रिगार्डिंग द रिस्ट्रिक्शन मैपिंग एग्जाम्पल्स. अगर स्टिल आपके पास कोई क्वेरीज या कोई एग्जाम्पल्स या कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए या मुझे डायरेक्ट इनबॉक्स करिए. यू कैन ज्वाइन माई फेसबुक ग्रुप फॉर फर्दर अपडेट्स एंड क्वेरीज, अगर आपको है तो वहाँ पर भी पूछ सकते हैं. ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर. थैंक यू वेरी मच.